सहस्तमम् ज्येष्ठदारुम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनश्रृण्वन्नो दिभिः सेदसादनम् ॐ महागणपतये नमः। दक्षिण पूर्वी राज्य उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में महादेव लिंगराज के रूप में प्रसिद्ध है। तीनों भुवनों के स्वामी भगवान त्रिभुवनेश्वर को समर्पित मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में राजा लल्लाट किसी ने किया था, लेकिन मंदिर के कुछ हिस्से 1400 साल से भी पुराने हैं। लिंगराज महादेव का मंदिर उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर से भी पुराना माना जाता है। ये मंदिर उड़ीसा के मशहूर मंदिर में से एक है। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर जाने पर बहुत बड़ा खुला परिसर है। इस द्वार को सिंह द्वार भी कहते हैं। परिसर में स्थित मुख्य मंदिर की ऊंचाई लगभग 180 फीट है। लिंगराज मंदिर संपूर्ण कला और भव्यता का अद्भुत संगम है। इस मंदिर की भव्यता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके परिसर में 64 छोटे छोटे मंदिर। पहले इस मंदिरों की संख्या 108 थी। लिंगराज मंदिर के तीनों भागों में तीन अद्भुत मंदिर हैं। मंदिर परिसर के दाहिने हिस्से में गणेश जी की मूर्ति स्थापित है। परिसर में ही शिव काली पार्वती माता व अन्य देवी देवताओं की मूर्ति विराजमान है। मंदिर के मुख्य गर्भगृह में हरि और हर की संयुक्त प्रतिमा है, जिसमें आधा भाग शिव जी का और आधा भाग विष्णु जी का है। मंदिर परिसर में एक तालाब है। माना जाता है कि इस तालाब का रास्ता पाताल तक जाता है और यहाँ पूजा करने से किसी भी व्यक्ति को कहोते से मुक्ति मिल जाती है। सावन के महीने में यहाँ कांवरियों का स्वागत होता है और लोग गंगा जल से भगवान शिव की अभिषेक करते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा हर किसी पर बरसती है। ये मंदिर को केसरी वंश के राजा ने मंदिर बना है। तीनों पीढ़ी लल्लाट केसरी, जद्दाद केसरी और अनंत केसरी। मगर भगवान पहले से बना, भगवान अपने आप खुद भूमि फट निकले, उसके बाद मंदिर को राजा ने बना है। ये मंदिर जगन्नाथ जी के लिए बना हुआ था। इस पहले जो विष्णु जी मथुरा वृंदावन अयोध्या छोड़ के आए थे कलयुग में, तब ये बना हुआ था उनके लिए। तो तीन रात वो विष्णु जी आदेश दिए थे विश्वकर्मा जी को 3 रात में 1,25,000 मंदिर बनाने के लिए। तो विश्वकर्मा जी बनाते बनाते 3 रात में एक कम मंदिर एक कम कर दिए। तो कब बना नहीं पाए, जो एक कम हो गया तो मंदिर के नाम है लोकनाथ। लोकनाथ जी का मंदिर यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर बना नहीं पाए। तो इसके लिए लोकनाथ जी का मंदिर था पुरी में। यहाँ पर जो रसोई घर है 108 चूल्हा है, 108 चूल्हा है। रसोई घर में भोग लगता है, मिट्टी के बर्तन में भोग लगता है भगवान को। वो मिट्टी का बर्तन एक बार यूज होता है, सेकंड बार यूज नहीं होता, उसको फेंक देते हैं क्योंकि वो काम में नहीं आता है कुछ। और यहाँ पर जो भोग लगता है, जो एंट्रेंस तो है, वहाँ पर सूर्य जी के किरण नहीं आता है। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों का क्या कहना है मंदिर के बारे में। भुवनेश्वर में थोड़ा लिंगराज मंदिर सबु शिव मंदिर अपेक्षा बड़ आउ सबुठारु गहलीपूर्ण समस्त तांकर भी बहुत भल महिमा अच्छी तेणु बहुत भक्त दूर रू आसती शिवों पास उपासना करती विशेषतः सोमवार भल गहली हुए अभिषेक करा भी जाए ये सब लिंगराज मंदिर आमर ओडिशार आराध्य शिव मंदिर। लिंगराज है हरिहर का मतलब आधा शिव आधा लिंग है, आधा शिव जी और आधा विष्णु जी है, इसीलिए इसको बोलते हैं लिंगराज। मैंने सरस्वती पूजा में जो यहाँ पे पूजा पाठ होता है तो कार फेस्टिवल होता है लिंगराज कार फेस्टिवल, इसीलिए इसका जो ऊड है ऊड इसका प्रतिष्ठा करा जाता है, इसीलिए सरस्वती पूजा यहाँ पे पूजा होता है। Hi, my name is Hans. I'm from Germany. I came to Bhubaneswar for hockey.
And now I have one more day after the games to take some nice shots of the Oriya temples. That's why I'm here. I was told by the driver that it is the oldest and that it has the most beautiful or the most little temples in one spot. That's why I came here. Before that I've been to the Buddhist stupa, and this is the Hindu temple that I wanted to see. And I'm very happy I came here.